हेलो सेवन्थ क्लास 1.4 इंटीजर्स जिहड़ा चैप्टर साडा चल रहा डिवीजन दी आपां प्रॉपर्टीज जिहड़ी आपां स्टडी कीतियां सी उहदे नाल रिलेटेड जिहड़े आपां प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन विच सानूं क्या गया फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच, जिहड़े सानूं प्रॉब्लम्स दित्तियां इहदी वैल्यू फाइंड करनी आपां किद्दां। सब तो पहली ए पार्ट -48 डिवाइड बाय 8 किदा इन्हें सोल्व करना वा आप लिखना नॉर्मल फॉर्म से लिख देने -48 डिवाइड बाय 8 इदा लिख सकते आप -48 डिवाइड बाय 8। आप सब तो पहला ये माइनस हैगा ज नहीं हैगा चाहे प्लस है या माइनस आ इस चीज़ को आप ध्यान से पहला नहीं रखना। सब तो पहला असं इन्हों नॉर्मल जिदा नंबर डिवाइड होंगे उस तरह डिवाइड करना 48 डिवाइड बाय 8। आप इन्होंने वाल ध्यान देना सब तो पहला 48 डिवाइड बाय 8 कि आया 6 आ गया। हुण साइन किदां देखणे आ जे उपर एक माइनस आ नीचे प्लस आ उपर माइनस आ इत्थे माइनस लग जाएगा। ठीक सिंपल लगे तुहानूं समझ लग जाएगी साइन किदां लगणे। फिर नैक्सट क्वेश्चन तो पता क्लीयर हो जाणा। अगला वा 40 डिवाइड बाय -8 40 डिवाइड बाय -8 इहदे विच 40 नूं 8 नाल डिवाइड करने आ 5 आ गया। हुण उत नीचे माइनस आ नीचे वाला माइनस भी उपर माइनस लग जाता उपर होवे ये उपर सी ता भी लग गया नीचे सी ता भी आंसर दे नाल माइनस का साइन लग जाना। हुण नैक्सट टर्म विच सानू ये क्लीयर हो जाना कि जे उपर भी माइनस होवे ते हेठां भी माइनस होवे फिर की करना सी। सी क्वेश्चन -63 डिवाइड बाय -7 -63 डिवाइड बाय -7 हुण 63 नूं 7 नाल डिवाइड करांगे आपां 9 आएगा। हुण उपर भी माइनस नीचे भी माइनस आपां फिर इत्थे आंसर दे नाल की असीं लवांगे प्लस प्लस मतलब कुछ नहीं लवेंगे जे उपर भी माइनस हेठा भी माइनस ये सोचो कि कैंसल हो जाते एक दूजे ना जे उपर भी माइनस हो तो हेठा भी माइनस हो इस करके आंसर देने असी कुछ नहीं लाना। जे उपर माइनस हो सिर्फ उपर माइनस तो आंसर नाल भी माइनस आएगा जे नीचे माइनस आ तो फिर आंसर के नाल भी माइनस आएगा। जे उपर तो नीचे दोवें जगह पर माइनस आ तो फिर साढ़े आंसर में क्या आएगा प्लस। फिर नैक्सट क्वेश्चन डी -67 डिवाइड बाय 67 -67 डिवाइड बाय 67 67 डिवाइड बाय 67 1 आ गया उपर माइनस माइनस लग गया। तो नैक्सट 0 डिवाइड बाय -23 0 डिवाइड बाय -23 0 नूं किसे नाल भी डिवाइड कर लो कोई भी इंटीजर नाल 0 नूं डिवाइड कर लो आंसर हमेशा 0 ही आउंदा। की याद रखना कि 0 नूं किसे भी इंटीजर नाल डिवाइड कर लो आंसर की हमेशा आएगा 0। 0 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ 23 ਨਾ ਭਾਏ ਇੱਥੇ 40 ਲੈ ਲਓ ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਓ 0 ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤੇ ਹੀ ਅਗਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਪਾਰਟ ਨੇ ਐਫ ਜੀ ਐਂਡ ਐਚ ਇਹ ਥੋੜੇ ਸਲਾਈਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਲਾਈਟਲੀ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਹੋਈ ਆ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਕਿ 42 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ ਬ੍ਰੈਕਟ -3 + 2 ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਡਿਵਾਈਡ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਮਾਈਨਸ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਈਨ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਇੱਥੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵੀ ਪਈ ਹੋਈ ਆ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਸਭ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕਾ ਅਸੀਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ BODMAS ਬੋਡ ਮਾਸ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਬੋਲ ਕੇ ਬੋਡ ਮਾਸ BODMAS ਬੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਓ ਆਫ ਡੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਐਮ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਏ ਐਡੀਸ਼ਨ ਐਸ ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਫਿਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਫਿਰ ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈ ਬ੍ਰੈਕਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਕਟ ਹੈਗੀ ਕਿਤੇ ਪਈ ਦੇਖੋ ਆ ਬ੍ਰੈਕਟ ਹੈਗੀ -3 + 2 ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਬ੍ਰੈਕਟ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ 42 ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਡਿਵਾਈਡ ਸਾਈਨ ਬ੍ਰੈਕਟ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ -1 + ਦਾ -3 ਅਤੇ +2 -+ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਵਾ ਮਾਈਨਸ ਹੋਣਾ ਵਾ 2 - 3 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ -1 2 - 3 -1 ਹੁੰਦਾ -1 ਲਿਖ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਬਣਿਆ 42 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ -1 ਰਹਿ ਗਿਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਰਹਿ ਗਿਆ 42 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ -1 ਫਿਰ 42 ਨੂੰ 1 ਨਾ ਕੀਤਾ 42 ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਾਈਨਸ ਨੀਚੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲਿਆ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆ ਬ੍ਰੈਕਟ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਕਿੱਥੇ ਆ
सब तो पहला स्टेप ब्रैकेट सॉल्व करनी, ब्रैकेट ए वाली ब्रैकेट, ए वाली ब्रैकेट माइनस 45 डिवाइड बाय 15 डिवाइड बाय 3 ब्रैकेट वाला सॉल्व करना सब तो पहला आप ब्रैकेट में की दिता हुआ सानू ब्रैकेट में दिता हुआ आप माइनस 45 डिवाइड बाय 15 आप कर लेना माइनस 45 डिवाइड बाय 15 इन ब्रैकेट के अंदर ही रहन देना तो आ डिवाइड से 3 इदा तो इन सॉल्व करना सब तो पहला माइनस 45 15 ने डिवाइड किया तो 3 आया उपर माइनस ही आंसर के नाल माइनस होना आ डिवाइड बाय 3 इस तरह ही आ गया। हुण साडे को की बन के रह गया माइनस 3 डिवाइड बाय 3 आप ले लेना इनू भी माइनस 3 डिवाइड बाय 3 3 डिवाइड बाय 3 1 उपर माइनस ही आंसर के नाल माइनस आ गया। इस तरह ही थर्ड सम भी इहदा इस तरह का इदा ही सॉल्व होना वा इहदे विच की आ माइनस 47 डिवाइड बाय ब्रैकेट माइनस 40 प्लस माइनस 7 हूँ सब तो पहला ब्रैकेट सॉल्व करनी है ब्रैकेट ए वाली सॉल्व करो सब तो पहला माइनस 40 इनू बिल जरा इदा ब्रैकेट तो बाहर उस तरह लिख लेना बिल्कुल माइनस 47 डिवाइड ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करो माइनस 40 लिख लिया आ ब्रैकेट ओपन हुई प्लस माइनस मल्टीप्लाई हुए तो साढ़े को बन गया माइनस तो माइनस 7 फिर नैक्सट स्टैप इनू इदा ले लेना डिवाइड इदा ले लिया इनू सॉल्व करना ब्रैकेट नू माइनस 40 माइनस 7 माइनस माइनस ऐड होने हैं साइन माइनस का लगना ऐड हो कि बन लगा की बनना इन्हों का 40 प्लस 7 47 साइन माइनस का बन गया। हूँ साढ़े को रह गया माइनस 47 डिवाइड बाय माइनस 47 हूँ आप इन्हों सिंपल ले लेना माइनस 47 डिवाइड बाय माइनस 47 47 डिवाइड बाय 47 1 आ गया तो माइनस उपर भी माइनस नीचे भी माइनस साढ़े को आंसर के ना प्लस आ जाना। इस तरह ये साढ़े तीन सोल्व सम जो सोल्व हो चुके हैं। हूँ तुम होमवर्क वास्ते जो पहले आप सम सोल्व किए उन्होंने फॉर्मूला एक दो सम ने जो सोल्व करने हैं ए माइनस 98 डिवाइड बाय 49 एंड माइनस 72 डिवाइड बाय माइनस 8 इन्हों के आंसर की दिते ने पर कोशिश करो कि तुम खुद सोल्व करो तो फिर देखो ताकि मिसटेक हुई है ज नहीं। थैंक यू।